हाँ, ये किस लिए? अरे भाई, बड़ी बी को दिए, उनमें तो इतने गुण है नहीं, या तो रख के बैठ जाएगी या फिर अल्ले तल्ले उड़ा देगी। मैंने कहा तुम ही ये रकम रखो, आगे शादी आ रही है, सौ काम है। दुकान के लड़कों पर मैं ये छोड़ना नहीं चाहता, जरा सी नजर इधर उधर हुई उन्होंने डंडी मार लेनी। ये शादी ब्याह की मद में हजारों खर्चे होते हैं, लाइटें, दर्जी, खाना, पता नहीं क्या कुछ। मुझे तो तुम ही इसकी जिम्मेदारी संभालो। सड़ जाएंगी आपा, बिल्कुल सड़ जाएंगी, और इंजाम सारा आएगा मेरे सर। आप भी ना, आपको मेरी गर्दनी पतली नजर आती है ना भाई? ना ये ले, हम तो नहीं रखते, जाके दे दीजिए उन्हें। और वैसे भी उनकी औलाद तो पसंद नहीं करेगी मुझसे पैसे लेना, उनकी तो शान के खिलाफ होगा ये। निशान के खिलाफ समझते हैं तो खुद अपने खर्चे बर्दाश्त करें। हाँ, मैं चाहता हूँ इस घर की जिम्मेदारी पर तुम बर्दाश्त करो। हमारा क्या भाई, अब तो चल चलाओ का वक्त है। खुदा ना करे इस तरह की बात करेंगे तो बात नहीं करूंगी मैं आपसे, कसम से। चल चलाओ होगा उनका। अरे आपके सामने क्या बेचते हैं आजकल के टेडी नौजवान, मेरे बर्गर खा खा के वैसे ही सत्यानाश कर लिया उन्होंने अपना, ऊपर से सिगरेटें, चरसे, मेमपुरी, गुटके। आप तो अभी भी, वो तो मैं ज्यादा तारीफ नहीं करती हूँ आपकी के कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए आपको। किया करो, तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनना अच्छा लगता है। ये लगता है बारो मुझे दूसरी शादी नहीं की, मुझसे शादी करके दूसरा जन्म मिला है। मन्नत मांगी थी मैंने कि शादी के बाद उमरा करूंगा, वहां जाके शुक्र अदा करूंगा कि तुम जैसी बीवी मुझे मिली। और उसके बाद दुबई शॉपिंग भी तो करनी है तुमने। अनुमार सर, मेरे साथ हमेशा इसी तरह अच्छे रहना। चौकस रहो, अब ये घर की सारी जिम्मेदारी तुमने संभालनी है। मैं कई दिनों से सोच रहा हूं, मैं समझ जाता हूं कि मैं हल्का फुल्का हो जाऊं।